हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम समझने वाले हैं रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है एलपीओ टेक्नीशियन की 22-23 में आने वाली है, उसमें क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेंगी, उसमें एलिजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट डायरेक्ट हम जो सवारी गाड़ी होती हैं कोचेस होते हैं उनमें बैठते हैं, वो वाले ड्राइवर को हम असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बोलते, वो सीनियर लोको पायलट्स होते हैं या एलपीजी होते हैं। एलपीजी से तात्पर्य ये भी नहीं है कि जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो नहीं है। एलपीजी का मतलब होता है लोको पायलट गुड्स, मतलब जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आपको सीनियर लोको पायलट या फिर एलपीजी बनाया जाता है, लोको पायलट गुड्स बनाया जाता है। तो अभी बात करने वाले हैं एलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट प्लस टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर कुछ प्रॉब्लम आती है या रेल में कुछ प्रॉब्लम आती है, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर जो सिग्नल्स होते हैं इंडिकेशन होते हैं, मेंटेनेंस का जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं टेक्नीशियन। तो ये दोनों क्या एक ही है या अलग अलग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग है। इनमें एज लिमिट क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो मिनिमम जो होगी एज लिमिट होगी, ठीक है, मिनिमम जो एज लिमिट होती है इसमें 18 साल, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट होती है 18 साल और मैक्सिमम होती है 30 साल, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट होती है 30 साल होती है, किसके लिए है, तो ये होती है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब जो ओबीसी के लिए, ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है ओबीसी के लिए 3 साल का जो हमारा एज पर नॉर्म्स जो होते हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन जो होता है, रिलैक्सेशन जिसे हम बोलते हैं वो मिलता है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। योग्यता जो होती है आपको सबसे पहले तो ये दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको होना चाहिए 10th पास, क्या होना चाहिए आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो सकती है वो। फिर उसके बाद जो आता है हमारा सेकेंड नंबर पे, अब ये क्या आईटीआई ही वालों को असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन बनाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, इसके लिए और भी हमारे पास क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो आपको 10th, ठीक है, 10th प्लस डिप्लोमा भी हो सकता है आपके पास, यदि डिप्लोमा हो तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और जो तीसरा हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपके पास क्या हो, बीई हो, क्या हो, बीई हो या बीटेक हो, क्या हो, बीई या बीटेक, अपने इंजीनियरिंग फील्ड से ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। किसके लिए, तो ये जो क्वालिफिकेशन ये दोनों के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। तो क्या जो इसके लिए सिर्फ इतनी ही क्वालिफिकेशन है और कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें जो टेक्नीशियन की होती है, ठीक है, टेक की पोस्ट होती है, उसके लिए हमारे पास एक और जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें क्या होना चाहिए कि 10th प्लस 2 जो होता है, ठीक है, 10th प्लस 2 मतलब 12th होता है, तो उसके साथ पीसीएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपके जो होती है 12th होना कंपलसरी है, मतलब आप विद्यार्थी रहे हो किसके, मैथ्स साइंस के, आप यदि यहाँ पर विद्यार्थी रहे होंगे तो आपको ये फॉर्म। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो चयन प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें हमारे को 3 एग्जाम देना होता है, मतलब 3 लेवल्स होते हैं, या फिर हम कहें कि और भी इसमें लेवल्स हो सकते हैं कैसे। तो इसमें पहले होता है CBT 1, तो CBT 1 में क्या होता है, CBT 1 में आपको मैथ साइंस रीजनिंग ये पूछा जाता है, जीके जीएस करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो आगे हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये जो होता है ये सिर्फ ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, ये जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको सिर्फ आपको पास करना होता है, इसके बाद आप CBT 2 देंगे। CBT 2 में आप देंगे, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होगा ये इसमें क्या होगा, आपको पार्ट ए में पूछा जाएगा वही सिलेबस जो हमारा यहाँ पर रहेगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस और जनरल साइंस इंजीनियरिंग, ये पूछा जाएगा थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे। इसके बाद होता है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये सिर्फ होता है एएलपी के लिए, किसके लिए होता है, एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये सिर्फ टेस्ट होता है।
इसमें हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कैसे पूछा जाता है, एग्जाम कैसे पूछा जाएगा, इसमें पहला आपका होगा सीबीटी वन, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जो फर्स्ट लेवल का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपसे 20 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग और 20 नंबर का साइंस, और जीके जीएस में पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन होंगे, और आपको इसमें टाइम मिलेगा करने के लिए 60 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद जो होता है हमारा सेकेंड स्टेज होती है, जिसे हम सीबीटी टू बोलते हैं। तो सीबीटी टू में भी ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो होता है हमारे को सिलेबस जो होता है सीबीटी वन का उसी तरह से होता है, पर मार्क्स का जो डिवीजन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो 25 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, 25 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, और जो साइंस होता है और बेसिक इंजीनियरिंग होती है वो पूछी जाती है 40 मार्क्स की, 40 नंबर की, और जो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर का पोर्शन है वो 10 नंबर का इसमें होता है। इस तरह से आपके होते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन के लिए आपको करने के लिए टाइम कितना मिलता है, टाइम मिलता है आपको 90 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। ये हो गया पार्ट वन। इसके बाद होता है पार्ट टू। तो पार्ट टू में क्या होता है या पार्ट बी में क्या होता है, इसमें आपसे ट्रेड से रिलेटेड, आपने जिस ट्रेड से आईटीआई की है या इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 75 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। इनको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का, इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसको पासिंग करने के लिए इसमें जो पासिंग मार्क्स मिनिमम होते हैं, मार्क्स होते हैं 26.25 कुछ मार्क्स होते हैं। इसमें परसेंटेज में दिया होता है 35% इसमें मार्क्स मिनिमम लाना होता है। अब इसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो मेरिट लिस्ट बनती है आपकी सीबीटी टू और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, किसकी, एएलपी की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इसके बेसिस पे बनती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट और सीबीटी टू का जो टेस्ट होता है उसके दोनों के परसेंटेज को मिला के, तो इसका जो हमारा वेटेज होता है 70% होता है, और इसका वेटेज होता है जो 30% होता है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।